आंखों के विजन को ठीक कराने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हम आंखों के विजन को ठीक कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है। बिकॉज जब हम आंखों के विजन को ठीक कराने के बारे में सोचते हैं तो ये तभी हमारा डिसीजन होता है जब हमारे सामने समस्या आती है कहीं ऐसे जॉब में अप्लाई करने की जिसमें कि मेडिकल टेस्ट होने वाला होता है। एज ए कॉमन पर्सन अगर हम देखें तो अगर किसी की आंखों में नंबर है तो वो उसके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं पर भी अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप नॉर्मल चश्मा पहनकर जॉब कर सकते हैं। आजकल तो चश्मा भी एक फैशन आइकन है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स चश्मे को अपने फैशन और लुक को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आंखों का नंबर है, आंखों की समस्या है, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी हो जाती है जो किसी ऐसे जॉब में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर कि आंखों के विज़न की जांच होती है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम कौन सा ऐसा ऑप्शन अपनाएं जो हमारे लिए सेफ़ भी हो, हमारे लिए ठीक भी हो, आंखों के लिए भी, आगे फ्यूचर के लिए भी ठीक रहे और उसकी कॉस्ट भी ऐसी हो जिसे हम अफोर्ड कर लें, यानी उस प्रोसीजर को करा लें, और कहाँ कराएं ये हम। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जो आंखों के विज़न से संबंधित अगर हम बात करें तो अगर एज ए कॉमन पर्सन आप पूछ रहे हैं कि जिनको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं करना है और उनकी आंखों में नंबर है, चाहे वो -1, -2, -3, -4 इसके आसपास अगर है, तो मैं तो वहां पर सबसे पहली सलाह तो यही दूंगा कि उसके लिए चश्मा ही सबसे बेटर और सेफ ऑप्शन है। और ऐसा हैज़ल मत महसूस करिए कि आपको चश्मा पहनकर कोई दिक्कत लगती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं मेडिकल लाइन में, आई सर्जन्स ऐसे हैं जो खुद चश्मा पहनते हैं, दूसरों का इलाज भी करते हैं लेकिन खुद भी चश्मा पहनते हैं। तो बिल्कुल डोंट फील बैड कि आपकी आंखों में नंबर है और आपको ये चश्मा हटा देना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि चश्मा लगाकर वो उनके लुक में बहुत एनहांसमेंट होता है, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये सबसे पहली मेरी आपके लिए सलाह है कि आंखों में कोई भी प्रोसीजर अगर कराएं तो एक बार ज़रूर सोचें, और सबसे बेस्ट सबसे पहले चश्मा है। उसके बाद अगर आपको कंपल्शन ही है कि कोई प्रॉब्लम है, या फिर लड़कियों के साथ में दिक्कत है कि शादी होने वाली है इस पर्पज़ से आप इसे कराना चाहते हैं, या फिर आपका काम कुछ ऐसा है कि जहां पर आप चश्मा नहीं यूज़ कर सकते और मजबूरी है कि हमारा विज़न ठीक होना चाहिए और हम बार बार चश्मा नहीं उतार सकते, नहीं पहन सकते, तो ऐसी स्थितियों में ज़रूर आप आँखों में लेसिक कराने के बारे में सोच सकते हैं। लेसिक कई तरीके की होती है, उनकी कई कई तरीके की परिभाषाएं हैं, क्योंकि लेसिक अब कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं। आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें लेसिक के बारे में कि सबसे अपडेट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो सबसे अपडेट और अच्छी टेक्नोलॉजी EPI और कॉन्ट्रा, जिसे हम एपिकॉन्ट्रा भी कहते हैं, तो ये सबसे अच्छी है, सबसे सेफ़ है, आँखों के लिए सबसे बेटर है, ऑप्शन है। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें बहुत सारी जांचें आंखों की जाएंगी, उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि -4 के आसपास अगर आपका नंबर है तब ये प्रोसीजर आप करा सकते हैं। अब -4 का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक डेडलाइन मैंने बताई -4, उसमें भी कंडीशंस हैं -4 में कि कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, आँख का विज़न है तो उसमें सिलेंड्रिकल नंबर कितना है, स्फेरिकल नंबर कितना है, तो ये सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट करके फिर एक देखा जाएगा मीन निकाल कर कि आपकी आँखों में ये प्रोसीजर हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी का नंबर -3 है, -2 के आसपास है और वो अगर इस बारे में सोच रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो सोच सकता है और डेफिनेटली वो इस प्रोसीजर को करवा सकता है, कोई भी हिंड्रेंस आगे पैदा नहीं होगी, आराम से ये प्रोसीजर आप करा सकते हैं। ये बहुत सेफ़ है दूसरे प्रोसीजर से, अगर जो लोग बात करते हैं जो कॉन्ट्यूरा विज़न की, तो ये उससे भी कहीं आगे है, ठीक है, कॉन्ट्यूरा विज़न से भी ये अपडेट टेक्नोलॉजी है और ये उससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये सिर्फ 4 नंबर के आसपास तक का ही नंबर आपका रिड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा नंबर अगर आपका है तो फिर आपको कॉन्ट्यूरा विज़न को ही अपनाना है। कॉन्ट्यूरा विज़न भी आप लोग जानते होंगे, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं जिन पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वीडियो रिपीट कर सकता हूँ या उन्हीं टॉपिक्स पर फिर से डिस्कस
डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में लेकर आते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखा करिए। मैं मोस्ट ऑफ़ द जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनसे मैं ये भी कहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो लिस्ट में जाइए और वहाँ पर ज़रूर वीडियो को देखिए, हो सकता है डिफरेंट वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें दी गई है वो आपके लिए काफ़ी काम की हो। उसको देखने का तरीका ये होता है कि जो भी चैनल आप देख रहे हैं, जैसे मेरा चैनल देख रहे हैं, तो इसमें ये जो पिक्चर बनी होती है, मेन पिक्चर जो होती है चैनल की, जिसमें मैं एप्रिन में हूँ, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, होम, वीडियोस और दूसरे कम्युनिटी टैब, इस तरीके के। तो उसमें जो वीडियो का ऑप्शन होता है, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो नीचे पूरी उसी चैनल से रिलेटेड लिस्ट आ जाएगी। अगर आप वीडियो ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे तो दूसरे चैनल्स की भी लिस्ट उसमें आ जाएगी, और जो आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, आपको वहां से नहीं मिलेगा। तो याद रखिए कि अगर आपको दूसरे वीडियोस भी देखने हैं तो उसके लिए चैनल की पिक्चर को क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो के ऑप्शन को, जो टैब है उसको क्लिक करना है, उसके बाद उस लिस्ट को देखना है वहां पर। तो बात हमारी हो रही थी कि जो हमारा जो आई विजन है उसको करेक्ट करने के लिए जो सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है वो है EPI और CONTOURA, एपी कॉन्ट्रा, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है आज के समय में। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसीजर के कॉस्ट की। ये प्रोसीजर सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में कुछ ही जगह हैं जहां पर ये होता है इस समय प्रेजेंट टाइम में, और इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी थी आपको, आप एक बार फिर देख लीजिए ये भारत में कहां कहां होता है, ये इन इन जगह पर भारत में होता है, ये सारे सेंटर्स हैं, आप इन जगह पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ के जो भी OPDs के नंबर या फिर जो रिसेप्शन के नंबर, वो आपको आराम से आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो ये 90,000 के आसपास अवेलेबल है। आई थिंक सो कि जो सेंटर्स अभी आपने देखे हैं उसमें इसके प्राइस थोड़े बहुत वरी कर सकते हैं अप एंड डाउन, लेकिन एक मान के चलिए कि 90,000 के आसपास, बोथ आई, दोनों आँखों का 90,000 के आसपास है जो एपी कॉन्ट्रा का जो कॉस्ट है। एपी कॉन्ट्रा में आपको बता दूं कि दिस इज़ द बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है अभी तक की, और सबसे अच्छी है। अगर जॉब के पर्पज़ से आप सोच रहे हैं कहीं पर भी, तो ये उसमें भी सबसे बेस्ट है, और इससे इसको कराकर जो भी एक्सपर्ट हैं, जो इन हॉस्पिटल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपने अभी लिस्ट देखी है, वो भी यही कहते हैं कि आप आराम से मेडिकल में जा सकते हैं। तो एक बार जब आप ये कराने जाएं, जब आपने ये सोचा है कि अगर आपको ये कराना है और आपको जॉब के पर्पस से ये कराना है, तो जब भी आप इन सेंटर्स पे कांटेक्ट करते हैं तो आपको इन डॉक्टर्स से भी एक बार कंफर्मेशन ले लेनी है कि मुझे जॉब के पर्पस से मैं इसको करा रहा हूँ, तो कितनी एश्योरेंसेस आप देते हैं कि मेरा ये क्वालिफाई मैं वहाँ पर कर जाऊँगा। बिकॉज जहाँ पर ये कुछ संस्थान भारत में ऐसे हैं जो कि इस प्रोसीजर को करते हैं, मेरी पर्सनली भी उन जो बात हुई है जो संस्थान है इसमें उनसे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब आप खुद जाएंगे उसको कराने के लिए, तो एक बार आप भी जरूर इस बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि वो भी काफ़ी अपडेट रहते हैं जब वो इस प्रोसीजर को कर रहे हैं, आपसे इतना पैसा ले रहे हैं, तो उनको भी ये पता रहता है कि जो भी मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, जो मेडिकल टीम है, वो किन किन तरीकों से या किस तरीके का उनका मेडिकल सेटअप है जिसमें आपका मेडिकल करेंगे, तो ये जो प्रोसीजर है ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए जब आप इसको कराएं तो कई चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच लें, अच्छे से डिसीज़न लें, तब इस प्रोसीजर को कराएं। लेकिन हाँ, नो डाउट कि ये कॉन्ट्रा विजन से काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है, जो एपी कॉन्ट्रा है ये बहुत अच्छा है, और ये आँखों के लिए सेफ भी है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जो भी सर्जन है या जहाँ पर भी आप जाएंगे वो भी अच्छे से आपको दे सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन आपका ये था कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट इसकी 90,000 के आसपास है। एक बात और कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके हमें फीडबैक ज़रूर दिया करिए, फीडबैक से हमें डायरेक्शन भी मिलती है और हमें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस किस तरीके से इन वीडियोस को ले रही है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं या आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग। See you in next video.